ये स्प्रू स्टेम भी ये है क्या सर? ट्विन स्टेम ये है, आप लोगों ने देखा हुआ है, और स्प्रू स्टेम ये प्रोडक्ट है। ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, और जैसा मैंने आपको कहा कि ट्विन स्टेम एपिडर्मल स्किन लेयर के ऊपर बेहतरीन काम करता है, उन टिश्यूज को ग्रो करता है, उसके अंदर रिजुवनेशन लेके आता है, वैसे ही स्नो स्टेम एक बेहतरीन प्रोडक्ट से बना हुआ है। ये स्नो एल्गी के स्टेम सेल से बना हुआ है। स्नो एल्गी एक ऐसी एल्गी है जो अल्प्स करके जो माउंटेन रेंज है यूरोप में उसमें पाई जाती है, और ये कभी मरती नहीं है, यानी गर्मियों में ये हरी हो जाती है और ठंड में ये पिंक हो जाती है, यानी अपने आप को परिवर्तित करके जिंदा रहती है। माना जाता है कि स्नो एल्गी की लाइफ 1 मिलियन ईयर्स है, मतलब 10 लाख साल से ये एल्गी मरी नहीं है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ खास होगा, और इस खासियत के ऊपर फिर से मिवेल ने बहुत बड़ा काम किया। इस एल्गी का एक मेजर इंपैक्ट आता है एक जीन के ऊपर जो लाइफ की लॉन्जिविटी को बढ़ाती है, उसका नाम है क्लेथो, CKLOTHO, क्लोथो बोलते हैं, क्लोथो जीन है वो। ये जीन के ऊपर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है जो लाइफ की लॉन्जिविटी को बढ़ा देती है। करता क्या है ये AMPK का एक हार्मोन होता है, नाम का हार्मोन होता है, जिसे ये एक्टिवेट करता है और लॉन्जिविटी को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्नो स्टेम में हमने स्नो एल्गी के साथ साथ में मलबरी का क्लोरोफिल डाला है। मलबरी लीफ का क्लोरोफिल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। और क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक हरे रंग का लिक्विड होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल का यदि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, उसकी संरचना देखें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ उसके सेंटर में यदि आयरन का मॉलिक्यूल डाल दिया जाए, आयरन का एटम डाल दिया जाए, तो ये क्लोरोफिल रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल को हरा खून भी कहते हैं। अब ये करता क्या है? जैसे स्नो एल्गी जो है वो लॉन्जिविटी को बढ़ा रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, मलबरी लीफ का क्लोरोफिल खून की तरह कैसे काम करता है? ये आपके खून के उत्पादन को बढ़ाता है। रेड ब्लड सेल का मुख्य काम क्या है? कि ऑक्सीजन को लंग से ले जाकर सेल्स तक पहुंचाता है। यानी मलबरी का जो क्लोरोफिल होता है ये रेड ब्लड सेल को रेप्लिकेट करता है और ऑक्सीजन को ज्यादा तेजी से पहुंचाता है। ये एक दूसरा भी बहुत बड़ा काम करता है, वो ये है कि ये कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करता है सेल के अंदर। जब कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होती है तो हर सेल ज्यादा जीने लगता है, यानी टिश्यू के अंदर सेल के मरने की जो अवधि है वो बढ़ जाती है, यानी वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रहता है। इसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम बेहतरीन होता है। इसकी वजह से यदि एस्थमा में प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो जाती है। एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसे लेने का क्या तरीका है? इसे आपको एक शेकर के अंदर 200 ml पानी लेना है और एक सैशेट को काट कर उस शेकर में डाल देना है और उसे शेक करना है। शेक करके वो एक ग्रीन कलर का लिक्विड बन जाएगा, मिंट फ्लेवर का है, बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसे आप सिप करके पीजिए, सुबह उठने के बाद नाश्ते से पहले आप सिप करके पीजिए, और आप देखेंगे कि इससे डिटॉक्सिफिकेशन, ब्लड सप्लाई टिश्यूज को और इम्यूनिटी, ये तीनों चीज में बहुत बेहतरीन वृद्धि पाई जाएगी। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और काफी कॉम्बिनेशन में हमने इस प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। जहां तक मैं आपको बता चुका हूं एक्सक्लूसिविटी, 2 नवंबर के बाद डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स कोई दूसरी कंपनी नहीं बेच सकती। हमने देखा मार्केट में काफी लोग स्टेम सेल के नाम से कुछ भी बेच रहे थे। अब कभी भी आप ऐसी चीज को देखते हैं तो प्लीज हमें बताएं ताकि हम लोग उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाए।